So welcome back to the another video of the Talkbuster where I'm gonna rip up your breath with a new exciting automated video. So आज अपन review करने जा रहे हैं TVS Express का. TVS Express को आपने अंदाज अपना अपना movie में देखा होगा जब सलमान खान और आमिर खान 8,000 रुपये लेके उस moped के ऊपर बैठ के जाते हैं. तो यही moped का नाम है TVS Express और ये 35cc की आया करती थी और आज अपन इसी गाड़ी का रिव्यू करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये रही TVS की एक्सप्रेस और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंटिक गाड़ियाँ देखने को मिलेगी क्योंकि ओनर जो है वो एंटिक कलेक्टर हैं. तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ देख पा रहे हैं बट आज अपन सिर्फ TVS एक्सप्रेस के ही बारे में बात करेंगे. तो फ्रंट से मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका हेडलैम्प देखने को मिलता है जो बेसिकली 6 वोल्ट का आता था और ये क्रोम में आपको ऑफर करा जाता था. फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिलते थे और बीच में आप इसका हॉर्न देख पा रहे हैं. ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कलर स्कीम्स में आपको देखने को मिलती थी. और अगर इसके फ्रंट स्पोक व्हील्स की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली 16 इंचेस के आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलते थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये बेसिकली इसके फ्रंट ब्रेक्स हैं. इसके अंदर आपको साइकिल की तरह ब्रेक ऑफर करे जाते थे क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है तो उसके अंदर उतने पावरफुल ब्रेक नहीं दिए थे बट हाँ एफिशिएंट है. और ये इसका हैंडल है जो कि काफ़ी लाइट वेट है. लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसके ब्रेक हैं, ये इसके रियर ब्रेक हैं. राइट साइड आप देखेंगे तो ये राइट साइड आपको इसके फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे और यहाँ आप ये जो देख पा रहे हैं ये इसके स्विचेस हैं. इसमें आपको अपर डिकर का स्विच देखने को मिलता है, ऑन का स्विच देखने को मिलता है और येलो वाला जो बटन है वो बेसिकली इस गाड़ी को टर्न ऑफ करने के लिए है कि आप उसको 2-3 सेकंड तक पकड़े रखेंगे तो गाड़ी टर्न ऑफ हो जाएगी. राइट साइड इसका आपको एक्सीलेटर भी देखने को मिलता है और ये जो है ये पूरा इसका एक फ्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. यहाँ पर आपको TVS एक्सप्रेस की बैजिंग दी जाती थी. ये इसकी फ्रंट सीट है, इसमें आपको 2 सीट्स ऑफर करी जाती थी उस टाइम पे. अब आप सोच रहे होंगे कि इसका टैंक कहाँ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस कर रखा है. उसका फ्यूल फिलर आप यहाँ से देख सकते हैं. इसके अंदर आप 1.5 से 2 लीटर तक का पेट्रोल भर सकते हैं. यहाँ से आप इसको ईजिली फिल कर सकते हैं फ्यूल. और ये इसकी रियर सीट है, इसमें आपको पैडल भी ऑफर करे जाते थे कि अगर कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप पैडल मार के इस गाड़ी को चला सकते हैं. रियर में आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते थे. लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली इसका इंजन से कनेक्टेड स्प्रॉकेट है और राइट साइड जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली इसके पैडल से कनेक्टेड स्प्रॉकेट है. यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट पाइप देख पा रहे हैं और यहाँ आप अगर मैं क्लोजली दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर चोक भी देखने को मिलेगा. ये रहा इसका चोक और काफ़ी लाइट वेट व्हीकल है. इसके अंदर ये टोटल से 48 kgs की व्हीकल है. ये रहा इसका इंजन. इंजन की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली 2-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 2 BHP जो कि इस गाड़ी के हिसाब से ठीक है और 2 लोगों का ये वेट आराम से झेल सकती है. गाड़ी काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है और काफ़ी फन टू ड्राइव व्हीकल है ये. अब मैं आपको इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ. क्योंकि ये लाइट वेट व्हीकल है और इस गाड़ी के अंदर बैटरी भी नहीं लगती तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट उसके बाद डायनामो पर वर्क करती है. डायनामो इसके अंदर बिजली पैदा करता है और इसका जो फ्रंट हेडलाइट है वो बेसिकली 6 वोल्ट का है. रियर टेलाइट भी 6 वोल्ट की है. ये 6 वोल्ट तक की बिजली पैदा करता है जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है.